हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अमीनो एसिड पेप्टाइड प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसे आज हम जिसमें वीडियो नंबर फोर्थ अपलोड कर रहे हैं। और वीडियो नंबर फोर्थ में अपलोड करेंगे हम प्रोटीन्स के बारे में। आज हम प्रोटीन्स के जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे। प्रोटीन्स के ऊपर दो वीडियोस बनेगी। जैसा कि मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि अब अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और बीएससी थर्ड ईयर तक पहुंच चुके हैं, आपको बहुत ही डीपली स्टडी करना होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसमें बीएससी थर्ड ईयर में क्या होता है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, जहां पर एमसीक्यूज के माध्यम से क्वेश्चंस पूछा जाता है, और एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए आपको वहां पर बहुत ही डीपली पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना होगा। इसलिए मैंने अमीनो एसिड्स के ऊपर लगभग अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स के ऊपर 3 वीडियोस पहले से ही मैं अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हमने बहुत ही कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया और सबके बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स में देखिए आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका करेंगे इंट्रोडक्शन, आखिर प्रोटीन्स क्या होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा ताकि आप समझ पाए आखिर प्रोटीन्स होते क्या है। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा कंपोजिशंस। कंपोजिशंस का मतलब होता है संगठन, आखिर प्रोटीन्स किन किन मॉलिक्यूल्स या किन एलिमेंट से मिलकर के बना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन इसे 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। कोई किस किस प्रकार से, जैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और या फिर कंपोजिशंस के बेस पर, इसके संगठन के बेस पर भी इसे क्लासिफाइड किया जा सकता है, और फाइनली इसकी स्ट्रक्चर के बेस पर भी इसे क्लासिफाइड किया जा सकता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर इसे 2 भागों में क्लासिफाइड किया जा सकता है, जैसे फाइबर प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब हम फाइबर प्रोटीन्स में जितनी प्रोटीन्स आते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में जितनी प्रोटीन्स आते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद हमारा टॉपिक आता है जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर भी इसे सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और ड्राइविड प्रोटीन्स, मतलब कि व्युत्पन्न प्रोटीन्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन्स। व्युत्पन्न का मतलब जैसे कोई चीज जिस किसी चीज से व्युत्पन्न हो रही है, ठीक है, जिससे उत्पन्न होती है, उसी को हम बोलते हैं ड्राइविड प्रोटीन्स। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्ट्रक्चर के बेस पर। अब स्ट्रक्चर के बेस पर भी इसे 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिसे हम बहुत ही ज्यादा डीपली स्टडी करेंगे एक सेपरेट वीडियो बना करके। यहां पर मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर भी यहां पर आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर भी, इसके कंपोजिशंस के बेस पर भी बताऊंगा, और इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत आपको बता देंगे। लेकिन इसमें एक और वीडियो मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर के बेस पर, जहां पर हमें बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करना होगा। वो कौन कौन से पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के बेस पर इसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, 4 प्रकार से इसे डिवाइड किया गया है, और उसमें बहुत ही अच्छी तरह से हमें पढ़ने की जरूरत है। उसमें किस कहां पर बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे आपको पता है इसमें कई तरह के बॉन्ड्स भी बने होते हैं प्रोटीन्स पे। एक प्रोटीन्स की कंप्लीट स्ट्रक्चर में कई तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, लिंकेज बॉन्ड, सोल्ट लिंकेज बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो इन सभी बॉन्ड्स को, कौन सा बॉन्ड्स कहां पर बनता है, कैसे बनता है, किस तरह से प्रोटीन्स की जो मॉलिक्यूलर है इसकी अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जो है 2 प्रकार से डिवाइड किया गया, एक अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर्स एंड सेकेंड इज द बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स, उस सभी को हम देखेंगे। ठीक है, वहां पर जितने भी पॉइंट है, ये जो पॉइंट, ये जो स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन, इसे बहुत ही ज्यादा डीपली स्टडी करना होगा, क्योंकि आप आगे न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है तो इसकी स्ट्रक्चर को भी आपको पढ़ना होगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आप बीएससी के लेवल में हो, वहां पर आपको जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, कंपोजिशंस और क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है, डीनेचुरेशंस क्या होता है, रीनेचुरेशंस क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, और एक और पॉइंट आता है, जैसे हम प्रॉपर्टीज को तो डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, प्रॉपर्टीज को भी कवर करेंगे, बहुत सी जो भी प्रोटीन की प्रॉपर्टीज है उसको कवर करेंगे। और एक और टॉपिक आता है टेस्ट ऑफ प्रोटीन, आखिर जो प्रोटीन होते हैं उनका टेस्ट कैसे किया जाता है, जैसे ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, निनहिड्रिन टेस्ट एंड मोलिस टेस्ट, और भी बहुत सी प्रोटीन्स की टेस्ट है जिससे पता लग जाता है, कुछ कलर्स अपीयर होते हैं जिसके कारण हम पता लगा लेते हैं कि इस समय प्रोटीन अभी संभावना है प्रोटीन्स की, और फिर उसके बाद कुछ और हम उसमें कोई एसिड, डाइल्यूट एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड मिला लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है, एक नया कलर अपीयर होता है जिसे हम कंफर्म कर लेते हैं कि इसमें प्रोटीन ये प्रेजेंट है। तो जितने भी प्रोटीन टेस्ट हैं आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। एक वीडियो में हम बहुत ही सेपरेट बनाएंगे, वो है
स्ट्रक्चर ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और स्ट्रक्चर के बेस पर मैंने आपको बताया कि इसे चार भागों में डिवाइड है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वॉन्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड एक मोनोमर है। किसके मोनोमर है? प्रोटीन्स के मोनोमर है, आप इस तरह से कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप पॉलीमर समझ रहे हो तो मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर के मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की जो बेसिक यूनिट होती है, एक मोनोमर यूनिट जिसे हम बोलते हैं, वो है ग्लूकोज। ठीक इसी प्रकार से प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट है, जो सबसे स्मॉल यूनिट है, एक जिसे हम मोनोमर भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है? अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स के बारे में अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि अमीनो मतलब कि इसमें अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दो ग्रुप से मिलकर के बना होता है अमीनो एसिड्स। ठीक है, और पेप्टाइड बोन के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ, कहाँ पर पेप्टाइड बोन का केस होता है, कहाँ पर एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, इन सभी केसेस को मैं पहले से ही कुछ वीडियो में, पिछली वीडियोस में क्लियर कर दिया है। अगर आपने डायरेक्ट प्रोटीन की वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये अमीनो एसिड्स की वीडियो से स्टार्ट करना चाहिए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। तो आज का सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, ये इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर प्रोटीन बने किसके होते हैं, और नोट्स बनाकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाकर अभी तो आप वीडियो को देख लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप बाद में देखते हैं, कुछ दिनों बाद अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको वहां पर याद नहीं रहता। तो नोट्स जब आप बनाकर चलेंगे तब आपको अच्छी तरह से याद भी होगा। आपको पता है कि मैं सभी के सभी जितने भी अपनी वीडियोस अपलोड करता हूं उसमें नोट्स पर भी ध्यान देता हूं, क्योंकि मैं कोई IIT JEE कोई इतना बड़े बड़े लेवल की तैयारी नहीं करवा रहा हूं, कोई भी बड़े बड़े कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन नहीं करा रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ BSc के स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता हूं, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इनका कर लेते हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब देखिए प्रोटीन का इंट्रोडक्शन किस प्रकार से है कि प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोटीन है वो बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि अमीनो एसिड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड, पहले पेप्टाइड बोन बनाते हैं, फिर बहुत सारे पेप्टाइड बोन मिलकर के पॉलीपेप्टाइड बोन बनाते हैं, फिर उसके बाद इनकी यूनिट्स में, सब यूनिट्स में डिवाइड होते हैं, तब जाकर एक प्रोटीन्स बनता है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और नाइट्रोजीनस, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, सो नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजीनस सब्सटेंस होते हैं और हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स होते हैं। हायर मॉलिक्यूलर वेट क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि अमीनो एसिड्स क्या है, एक मोनोमर है, और बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर के पॉलीमर्स बना लेते हैं, और पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ही हाई होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पॉलीमर के चैप्टर में भी मैंने आपको वहां पर बताया था कि पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसलिए हाई होता है क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के कई हजार मॉलिक्यूलर वेट तक बना लेते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से कितने कितने इंसुलिन का कितना मॉलिक्यूलर वेट है, ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो सो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है एंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, हमारी सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में, जैसे एनिमल्स हो गया, प्लांट हो गया, इन सभी की जितने भी लिविंग सेल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी सेल्स में पाए जाने वाले, उनकी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले कुछ, जैसे हमारे बॉडी में कई तरह के प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हमें 6 या 7 ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं जो हमें, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, जिन्हें हम एक्सटर्नल सोर्स से प्राप्त करते हैं, ये मैं अमीनो एसिड्स के चैप्टर में भी बता चुका हूँ। सो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले एक सब्सटेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। ठीक है, इसमें नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, बट ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, और प्रोटीन्स का, और ये हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स और हार्मोन्स का कार्य क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी, जैसे एंजाइम्स का कार्य है कि हमारे फूड को डाइजेशन करता है। ठीक है, कई तरह से डाइजेस्ट करने में, कई तरह के एंजाइम्स हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। हॉर्मोन्स है ये हमारी ग्रोथ से लेकर के कई प्रकार के हमारे अंदर जो बॉडी रिएक्शंस है उसे कई तरह से कंट्रोल करते हैं।
तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एंजाइम्स के बने होते हैं, तो प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो प्रोटीन्स इसका मतलब हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी बहुत ही हेल्प करता है। सो द नेम ऑफ प्रोटीन वॉज फर्स्ट, पहली बार नेम जो प्रोटीन का नेम है उसने किसने दिया था, वो दिया था मोल्डर ने, प्रपोज्ड बाय मोल्डर, और इन 1839, एंड इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एक ग्रीक वर्ड, और ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ प्रोटियोसिस, जिसका मतलब होता है मीनिंग फर्स्ट, जिसका प्रथम मीनिंग होता है विच इज ऑफ द प्राइम इम्पोर्टेंस। तो प्रोटीन को यहाँ पर प्राइम इम्पोर्टेंस देने का यहाँ पर बात हुई है कि प्रोटीन जो है उसे प्राइम इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इसका मतलब इसीलिए से वहाँ पर प्रोटियोसिस वर्ड लिया गया, और प्रोटियोसिस का मतलब यहाँ पर उन्होंने प्रोटीन से कंसीडर किया, ठीक है, जिसका मतलब होता है मीनिंग फर्स्ट। उसके बाद अबाउट 19% ऑफ द एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में, अब यहाँ पर अबाउट में इसलिए लिखा, लगभग में हम बोल सकते हैं, यहाँ पर ये जनरली हमने मेजरमेंट नहीं किया है हर एक एनिमल में जाकर के कि उनके अंदर 19% होता है, इसलिए हमने क्या किया, लगभग में कंसीडर किया कि अबाउट 19% ऑफ एनिमल बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। जैसे हमारी आपकी बॉडी होगी, हम कह सकते हैं कि लगभग हमारी आपकी बॉडी में 19, 20, 30 इसके करीब अप्रोक्स हमारे अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, और यहाँ पर किस किस फॉर्म में, जैसे द स्किन्स ऑफ हेयर्स, नेल्स, हॉर्न्स एंड मसल्स ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो हमारी स्किन्स होती है, हमारी त्वचा होती है, जो हमारे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो नाखून होते हैं, नेल्स, और जो गाय भैंस इनमें जो सिंग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, एंड मसल्स ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये सब जो है हमारी जो मसल्स होती हैं वो प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो सब एक अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स को लेते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, ठीक। और एंटीबॉडीज, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा के रूप में यूज होते हैं, बैक्टीरिया से, हमारे किसी भी डिजीज से लड़ने की क्षमता रखते हैं, वो एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स के बने होते हैं, एंजाइम भी प्रोटीन्स के बने होते हैं, एंजाइम के ऊपर भी एक नया लेक्चर वहाँ पर अपलोड करेंगे। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं, ऑल कंटेन प्रोटीन्स, मतलब बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे वहाँ पर सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे एंजाइम, हॉर्मोन्स, प्रोटीन, ये सब जो है प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, ठीक। सो एमिनो एसिड आर द बिल्डिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। एमिनो एसिड क्या है, ये एक बिल्डिंग यूनिट होती है प्रोटीन्स की, ठीक है। बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे दो एमिनो एसिड मिले आपस में, उन्होंने एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते रहेंगे, कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड मिलकर के कई हजार की संख्या में ये सब प्रोटीन्स का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स एंड दे आर जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म ए लॉन्ग पेप्टाइड चेन। अब देखिए, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये NH, ये NH क्या है, ये अमीन ग्रुप, ये दोनों क्या करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये भी इंट्रोडक्शन चल रहा है, देखिए जैसे ये हमने ले लिया NH3 NH2, अमीन ग्रुप ले लिया, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई हाइड्रोजन, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोई एल्काइल ग्रुप लाइक CH3 ले लेते हैं, ठीक है, चाहे CH3 आप ले सकते हो कोई भी, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल भी हम इसी तरह बना लेंगे, जिसका अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसे आप सी टर्मिनल बोल सकते हो, इसे आप एन टर्मिनल बोल सकते हो, इसका NH यहाँ पर फ्री कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे आप नीचे की तरफ H बना दो, एक H को, चाहे एक H को ऊपर की तरफ, क्योंकि NH2 आपको यहाँ पर दिखाना है कि किस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पर मैं ये हाइड्रोजन ऐसे दिखा देता हूँ, और यहाँ पर मैं COOH ग्रुप इधर की तरफ फ्री कर देता हूँ, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा डिफरेंशिएशन दिखा दिया है इसकी स्ट्रक्चर में। होता क्या है कि इसमें वाटर का ये मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही दो हमने अम्यूनो एसिड्स ले लिए, अल्फा अम्यूनो एसिड्स ले लिए, अब इसमें क्या होगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा H, अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप से निकलता है OH, और नाइट्रोजन जो अमीन ग्रुप होता है उसमें एक हाइड्रोजन एलिमेंट होता है। तो फाइनली क्या होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल जैसे ही एलिमिनेट होगा और इनके बीच बन जाता है बॉन्ड, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड।
अब ऐसे ऐसे आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर एक और एमिनो एसिड ले लूँ जिसका नाइट्रोजन एन टर्मिनल वाला यहाँ पर रख दूँ, तो वहां से फिर से एक बॉन्ड निकल जाएगा, ठीक है, वहां पर फिर से एक बॉन्ड बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, और फिर उसके बाद उसका जो वहां पर सी टर्मिनल खाली होगा, तो ऐसे ऐसे जोड़ते 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 एक बहुत बड़ी लंबी चैन की तरह बन जाता है, ठीक है। और प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, बेसिकली मैंने आपको बताया अल्फा अमीनो एसिड्स के, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड्स के प्रोटीन्स बने होते हैं, वरना प्रोटीन्स कई प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बताया, वहां पर अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, ठीक है, डेल्टा, गामा, लेकिन हमें उस पर स्टडी करना है जिससे प्रोटीन्स बने होते हैं। तो अल्फा अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बने होते हैं, मैंने आपको बताया कि वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ और इनके बीच तुरंत का इस CO और N, देखिए जैसे यहाँ पर CO और N के बीच ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, देख रहा, इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ अमीनो प्रोटीन्स। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशंस के बारे में, संगठन के बारे में। सबसे पहले आप इसे नोट कर ले। सो गाइस, अब हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं कंपोजिशंस के ऊपर, आखिर इनका जो संगठन है वो इसमें किस किस टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। देखिए, ऑल प्रोटीन्स कंटेन एलिमेंट्स, कार्बन जो है लगभग 50-55% पाया जाता है, 50-55% कार्बन पाया जाता है, और हाइड्रोजन की बात करें तो 6.5-7.5% तक के जो है, 6-7%, आप 6.5-7.5% तक आप कह सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन लगभग 20-25% पाया जाता है प्रोटीन्स के अंदर, और नाइट्रोजन की भी मात्रा लगभग 15-18% होती है, एंड सल्फर की 0.3 से, मतलब थोड़ा सा कम सल्फर की, इन सभी के कंपेयर में सल्फर की मात्रा जो है थोड़ी कम प्रेजेंट होती है, 0.3-2% तक के, 2% तक के इसमें पाया जाता है। बिसाइड दिस एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के अलावा दे ऑल्सो कंटेन फॉस्फोरस एंड ट्रेसिस ऑफ आयरन, कॉपर, मैगनीज, आयोडीन एंड जिंक। ये जो है थोड़ा ट्रेसिस, मतलब कि थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, आयोडीन, मैगनीज, कॉपर, ठीक है, आयरन, ये सब जो है, फॉस्फोरस भी इसमें सब पाया जाता है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड आयोडीन, जिंक, ये सभी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन कैसे बनता है, आपके वहां पर चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आपको कॉपर भी दे दिया जाएगा, कॉपर, आयरन, आयोडीन, लगभग ऐसे देंगे जो रेयर केस में हो, ठीक है, और बोल दिया जाएगा कि इसमें, और फिर उसके बाद कोई एक अलग एलिमेंट्स दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि इसमें से बताइए कि कौन सा प्रोटीन्स के अंदर, कौन सा एलिमेंट प्रोटीन्स के अंदर नहीं पाया जाता। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये तो आपको वहां पर पता होगा कि भाई इतना तो जनरली सबको पता होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, बट यहाँ पर ये जो आयरन, कॉपर, मैग्नीज, आयोडीन एंड जिंक, यहाँ पर ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से आपको याद कर लेना होगा। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूलर वेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 65,000 से 70,000 तक होता है, 65,000 to 70,000, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं पेप्सिन एंड इंसुलिन का जो वहां पर मॉलिक्यूलर वेट है वो लगभग 3,500 से 40,000 तक होता है। एग एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो अंडे के अंदर जो एल्ब्यूमिन पाया जाता है उसका लगभग 45,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है। यूरिएस एंजाइम जो होता है, एक यूरिएस एंजाइम होता है, उसका लगभग 4,80,000 तक मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये सब इसके मॉलिक्यूलर वेट जो है इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद कर सकते हैं। तो ये था कंपोजिशंस ऑफ प्रोटीन एंड मॉलिक्यूलर वेट्स। सो गाइस, हेडिंग डाल लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है वो इसके 3 टाइप से हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज, या फिर आप तो केमिकल कंपोजिशन कह सकते हो या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है। थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था कि डिटेल में पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पर इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स में उसे डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर। देखिए क्या होता है, इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है फाइबर प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो सबसे पहले हम फाइबर प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। द प्रोटीन कंटेन थिन लेयर मॉलिक्यूल विच लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म ए फाइबर, जो कि साइड बाय साइड लाई करते हैं और फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। और क्या होता है इसमें, इन दिस प्रोटीन्स द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से साइड बाय साइड जुड़े होते हैं कई पॉइंट्स पर, ठीक है, एट मेनी पॉइंट।
सो दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, ये वाटर में अघुलनशील है, मतलब कि ये जो है वाटर में इतनी आसानी से नहीं घुलते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरेटीन, जैसे आपने शैम्पू का जब आप एड देखते हो टीवी पर या कहीं पर भी, तो वहां पर कैरेटीन का आपको वहां पर बताया जाता है कि इसमें जो है कैरेटीन होता है जो आपके बालों को पूरी तरह से पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है, तो वही होता है कैरेटीन। ठीक है, कैरेटीन प्रोटीन जो है जिसमें ये जो है स्किन्स में, हेयर्स में और नेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मायोसिन की अगर हम बात करें तो ये मसल्स में हमारी प्रेजेंट होती है। कोलेजन की बात करें तो ये प्रेजेंट इन टेंडन्स, कॉर्टिलेज एंड बोन्स। कॉर्टिलेज तो आपको पता होगा, जैसे ये बोन्स हो गया, बोन्स के ऊपर मैंने आपको बताया ये जो ऊपर की तरफ ये जो हड्डी होती है, बोन्स होती है, ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होता है ऊपर वाला भाग, इसे हम कॉर्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कॉर्टिलेज में, टेंडन्स में और बोन्स में इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? कोलेजन प्रोटीन। बाकी और भी जैसे फाइब्रिन प्रोटीन सिल्क में प्रेजेंट होता है, और जो पक्षियों के पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सब फाइबर्स प्रोटीन के एग्जाम्पल है। ठीक है, इन सभी को आप किस कैटेगरी में रखोगे? फाइबर प्रोटीन्स की। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है तो फटाफट ध्यान रखेंगे। जैसे ये मेरे पास कोई यहाँ पर एमिनो एसिड की चेन है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बना देता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ NH2। ठीक है, और ये मैंने लिया ऊपर की तरफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे, ऊपर की तरफ हम अल्काइल ग्रुप ले लेंगे कोई, और नीचे की तरफ हम रखेंगे हाइड्रोजन, और यहाँ पर मैं यहाँ पर CO के बीच बना देता हूँ बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बना देता हूँ यहाँ पर NH, और फिर सेम इसका भी यही रोल होगा कि ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर अल्काइल ग्रुप और नीचे की तरफ हाइड्रोजन ले लेता हूँ, और ये इस तरह से मैं जोड़ देता हूँ इसे फाइनली। ठीक है, तो ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड है NH और इसके बीच, और यहाँ पर भी एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ये आगे की तरफ फिर फर्दर इस तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक, तो देखिए अब सबसे पहले इसमें होता क्या है, किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बस यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो गाइज, अगर मैं नीचे की तरफ एक और इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, सेम टू सेम एज इट इज स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, और ये मैंने बना दिया है नीचे की तरफ स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे, ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये मैंने लिया कार्बोनाइल ग्रुप, और ये मैंने यहाँ पर NH ले लिया, और ये R, ये H, एंड फाइनली हम पहुँच गए। अब देखिए, ये मेरे पास दो पेप्टाइड चेन है। ठीक है, अब इसे आप डाई पेप्टाइड भी बोल सकते हैं, ट्राई पेप्टाइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक दो तीन पेप्टाइड बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर जिसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उसे बोलते हैं हम डाई पेप्टाइड। तो जहां पर देखिए, जैसे आप चेन दिखाई दे रही है, तो इससे लोन ऑक्सीजन होता है, इसके पास होता है लोन पेयर। ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके पास होता है लोन पेयर। ठीक है, अब ये इस लोन पेयर जो होता है ये शेयर करता है हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो ये कार्बन, इससे इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है हाइड्रोजन की, तो इसे जो इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हल्का से इसकी तरफ शेयर कर देता है। ठीक है, कौन शेयर करता है? ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है इसका लोन पेयर, ये हल्का सा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ शेयर कर देता है, जिसके कारण इनके बीच बन जाता है बॉन्ड। ठीक, अब जिसके कारण ये जो देखिए यहाँ पर ये हल्का सा लोन पेयर शेयर कर देगा, इनके बीच बन जाएगा बॉन्ड, इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से इसमें जो फाइबर्स प्रोटीन होता है इसमें इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। तो सेकंड टाइप का जो हमारा है वो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो हमने सबसे पहले फाइबर प्रोटीन्स के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में। देखिए, इन दिस प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर फोल्डेड इनटू कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर ऑन स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपर में फोल्ड हो जाते हैं। मैंने आपको जो पेप्टाइड चेन बताया था, जो अब हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हुए, वो घूम जाती है पूरी तरह से, ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, सो द पेप्टाइड चेन हेल्ड टूगेदर हाइड्रोजन बॉन्ड, उस समय भी यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बट द फोर्स आर कंपैरेटिवली वीक। अगर हम फाइबर्स की बात, फाइबर और ग्लोबुलर की बात करें, तो इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उनमें फोर्स जो है बहुत ही वीक होता है। किसमें? ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में जो बॉन्ड बना होता है वो थोड़ा वीक होता है, और फाइबर प्रोटीन्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, सो These are soluble in water, और ये water में soluble है acid and bases में भी, और these present maintain the regulate the life process in living organism। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जैसे कि for example enzyme, insulin, hemoglobin, antibodies,
ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, हमारे जो जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनको मेंटेन करते हैं। जैसे एंजाइम हो गया, ये क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन। ये एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करना बड़ा आसान है। मतलब ये एंजाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो एंजाइम होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है, फाइबर्स प्रोटीन वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ये क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये जो इंसुलिन होता है वो रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। बाकी आपको हीमोग्लोबिन का कार्य करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का कार्य करता है, ठीक है, और एंटीबॉडीज जो हमारी प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंतर्गत आएंगे। ये जितनी भी प्रोटीन्स आपको एंजाइम, हॉर्मोन्स, इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट, हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज, ये सब किसके अंदर आएंगे, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर आएंगे। जैसे कि मैंने आपके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, बस यहाँ पर हुआ क्या, देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में दो पेप्टाइड चेन बनाया था, वो उसी तरह से दो यहाँ पर दो पेप्टाइड चेन बन तो जाएगी, लेकिन होगा क्या कि ये जो आपस में, जैसे यहाँ पर मैं ऑक्सीजन मान लेता हूँ, ये लोन पे डोनेट कर देता है इस वाले हाइड्रोजन को, तो ये मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। सपोज दैट जैसे ये है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, दूसरी तरफ ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से घूम करके आ गया, तो फिर भी यहाँ पर बॉन्ड बनने की संभावना है, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर भी बन जाता है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सो गाइज, हेडिंग डाल लेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, या फिर आप कह सकते हैं सोलिबिलिटी के बेस पर भी ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, या फिर आप केमिकल कंपोजिशन के भी बेस पर कह सकते हैं। तो इसे हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला है सिंपल प्रोटीन, सब सेकेंड है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, एंड थर्ड है ड्राइविड प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें सिंपल प्रोटीन्स में क्या होता है, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, और हाइड्रोलिसिस इसका वाटर, एल्कली और एसिड, इन तीनों की प्रेजेंस में कर सकते हो, तो हमें अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होता है। और जब हमने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का हमने वहां पर हाइड्रोलिसिस किया, तो हमें क्या मिला, अल्फा अमीनो एसिड के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी मिले, जो कि प्रोटीन के नहीं बने होते, जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं। तो इन्हें हमने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में रखा, क्योंकि कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब है, आपस में नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट कॉन्जुगेटेड होते हैं। सो इधर ड्राइविड प्रोटीन्स में क्या होता है, इसमें किसी जो नेचुरल प्रोटीन है उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें प्रोटीन्स के कई इंटरमीडिएट कंपाउंड्स भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये नेचुरली डेरिवेटिव प्रोटीन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल प्रोटीन्स की, जो कि अल्फा एमिनो एसिड देते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर। जैसे हमारा यहाँ पर आ गया है अल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड प्रोटामिन्स, एल्बुमिनोइड्स एंड हिस्टोन्स, और दूसरी फाइनली हमारा है ग्लूटेलिन्स। ये क्या होते हैं, जैसे एल्बुमिन की बात करें तो ये वाटर में सोल्यूबल होता है, और वहीं पर हिस्टोन्स की बात करें तो ये भी वाटर में सोल्यूबल होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि एल्बुमिन, जैसे अंडे में पाया जाता है। जैसे मैं इसका और भी कुछ प्रॉपर्टीज को आप मेंशन कर सकते हो, कौन कौन सी प्रोटीन, जैसे कोएगुलेटेड प्रोटीन्स, क्योंकि ये हीट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने किसी प्रोटीन का टेम्परेचर 1 डिग्री या 2 डिग्री बढ़ा दिया, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन वो पूरी तरह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, डेड हो जाता है प्रोटीन, ठीक है, क्रियाशील हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको बुखार हो जाए, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाए, ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो 37 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट 39 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो आपकी पूरी बॉडी जो प्रोटीन्स है वो पूरे के पूरे डैमेज या खराब हो सकते हैं। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा, मतलब कि प्रोटीन्स का टेम्परेचर के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है, इतनी बात आपको ध्यान रखना। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, वहां पर जब डीनेचुरेशन का पॉइंट आएगा, तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे। एल्बुमिन मैंने आपको बताया ये वाटर में सोल्यूबल होता है, बाकी सब और भी है जो कि एसिड में, एल्कली में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो इन्हें सोल्युबिलिटी के बेस पर जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया, कौन कौन से, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटामिन, एल्बुमिनोइड, हिस्टोन्स एंड ग्लूटेलिन। ये सब अपनी नोट्स में, किताब में पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ सिंपली तरीके से समझा देता हूँ कैसे क्या है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये किसी के साथ कॉन्जुगेट होते हैं, किसके साथ, नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ। जैसे कोई नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया, उसके साथ कॉन्जुगेट होते हैं। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, तो न्यूक्लियो प्रोटीन में नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा हो गया, जो कि प्रोटीन का नहीं बना होता है, इनका मतलब जैसे देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन है, ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन की बात करूं, तो इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट पार्ट और प्लस प्रोटीन का बना होता है, तो उसे हम नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट बोलते हैं। फॉस्फोप्रोटीन की बात करूं, तो इसमें फॉस्फोरस प्लस प्रोटीन ऐड होता है, ठीक है, कॉन्जुगेट, इसमें इसका कॉन्जुगेटेड जो होता है वो फॉस्फोरस होता है प्रोटीन के साथ।
क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ये सब जो है इसमें लिपोप्रोटीन या लिपिड्स के साथ बना होता है। तो ये अलग अलग इसमें कोई नॉन प्रोटीन पार्ट्स के साथ ऐड होकर के कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ये इनका जब हाइड्रोलिसिस किया गया तो इसमें अल्फा अमीनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट प्राप्त हुए। ड्राइविड प्रोटीन्स की बात करो तो जैसे कोई नेचुरल प्रोटीन्स है ये उसके द्वारा हाइड्रोलिसिस करके व्युत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। ये किसी व्युत्पन्न होते हैं, ये इस तरह के जो प्रोटीन है किसी नेचुरल दूसरे तरह के प्रोटीन से व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये हो गया, आप इसमें ये इसमें कई तरह के जब इसका हाइड्रोलिसिस किया गया तो इसमें कई तरह के इंटरमीडिएट कंपाउंड भी प्राप्त किए। जैसे कि सबसे पहले प्रोटीन्स का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो सबसे पहले हमें प्रोटियोसिस में कन्वर्ट हुआ, फिर वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ, फिर वो पॉलीपेप्टाइड में, फिर वो डाइपेप्टाइड में, फिर फाइनली हमें मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड प्राप्त होता है। तो इस तरह से इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होते हैं जब हम किसी नेचुरल प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसको हम डेराइव्ड प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब एक और क्लासिफिकेशन है जिसे मैं बहुत ही अच्छी तरह से डीपली स्टडी वहां पर हम करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर के बेस पर, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे वहां पर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वॉन्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मैंने आपको बताया, इसमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आती है, एक और स्ट्रक्चर आती है जिसे हम बहुत ही अच्छी तरह से इसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तो हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, क्लासिफिकेशन दिया, आइए थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट देख लेते हैं प्रोटीन्स के। सो गाइज फाइनली हेडिंग डालेंगे टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के टेस्ट के बारे में जानेंगे, जैसे कि ब्यूरेट टेस्ट, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, हॉपकिंस कॉल रिएक्शंस, कोएंगुलेटिंग टेस्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, निहाइड्रेन टेस्ट, ये एमसीक्यूज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और एग्जामिनर भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना, पूरी तरह से आप नोट कर ले। देखिए ब्यूरेट टेस्ट में क्या होता है, आपने प्रोटीन सॉल्यूशन लिया प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, NaOH लिया, ठीक है, और प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जैसे ही आप उसमें डालते हैं तो वॉयलेट कलर अपीयर होता है, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाता है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये था ब्यूरेट टेस्ट, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, आपको ज्यादा कुछ इंग्लिश में यहाँ पर कुछ वहां पर दिखाना नहीं है, थ्योरी नहीं लिखनी, बस आपको इतना जरूर बता देना है कि अगर आप प्रोटीन सॉल्यूशंस लेते हैं प्लस हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, कॉपर सल्फेट डालते हैं, अगर वॉयलेट कलर अपीयर हो जाता है तो इसका मतलब ब्यूरेट टेस्ट है, मतलब कि वहां पर प्रोटीन प्रेजेंट है। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट क्या बोलता है कि अगर आप प्रोटीन सॉल्यूशन लेते हैं प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 के द्वारा आपसे वार्म करेंगे, वार्म करने के बाद येलो कलर अपीयर होगा, ठीक है, इससे आपकी संभावना है कि हाँ इसमें प्रोटीन हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH डालते हैं तो यहाँ पर ऑरेंज कलर अपीयर हो जाएगा जो कि प्रोटीन को कन्फर्म कर देगा कि हाँ इसमें प्रोटीन अब डेफिनेटली प्रेजेंट है। हॉपकिंस कॉल रिएक्शंस, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जब आप प्रोटीन सॉल्यूशन लेते हैं प्लस ग्लाइऑक्सैलिक एसिड जब आप इसमें मिक्स करोगे तो फिर उसके उस बाद जैसे आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो यहाँ पर भी वॉयलेट कलर अपीयर होता है जिससे कि हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। कोएंगुलेशन टेस्ट ये किसके लिए होता है, बेसिकली उसके लिए होता है जिसमें एल्ब्यूमिन प्रेजेंट हो, जैसे कि अंडा और या फिर और भी कुछ प्रोटीन्स के एग्जांपल इसमें कुछ सोर्स हैं जहां पर एल्ब्यूमिन के सोर्स में जहां पर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, उसके लिए टेस्ट होता है कोएंगुलेशन टेस्ट। इसमें क्या होगा, आपने प्रोटीन का सॉल्यूशन लिया और ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, आपको ड्रॉप वाइज वहां पर डालना पड़ेगा इसमें, यानी कि आपने भर दिया एकदम से उसमें प्रोटीन सॉल्यूशंस में, आपको ड्रॉप के अकॉर्डिंग, और जैसे ही आप इसे हीट करेंगे तो एक कलर, एक क्लाउडनेस की तरह आपको अपीयर होगी, जैसे एक बादल की तरह कुछ छा जाते हैं, मतलब इस तरह से आपको वहां टेस्ट ट्यूब में दिखाई देगा। तो आप समझ लेना कि ये जो है ये कोएंगुलेशन हो गया है प्रोटीन का, इसका मतलब ये है जो प्रोटीन होती है वो कोएंगुलेट हो जाती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है जब हीट का या फिर और भी कुछ उसमें कुछ करेक्टर्स होते हैं उसमें कुछ पूरे के पूरे प्रोटीन की स्ट्रक्चर में ही चेंज हो जाता है जिसके कारण ये क्लाउडनेस अपीयर होती है, ठीक है। तो ये कोएंगुलेशन टेस्ट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रेसिपिटेशन टेस्ट रिएक्शंस की। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा, आपने प्रोटीन सॉल्यूशन लिया प्लस पिक्रिक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और येलो कलर अगर अपीयर होता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। एक होता है निनहाइड्रिन टेस्ट, ये एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें निनहाइड्रिन का ये फॉर्मूला है, अगर आप नोट करना चाहें तो निनहाइड्रिन का फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, निनहाइड्रिन जब प्रोटीन सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शंस करता है तो पर्पल कलर का पिगमेंट बनता है जो कि ये शो करता है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन टेस्ट, ठीक है। अब हमारा बचा हुआ कौन कौन सा टॉपिक रह गया है, देखिए बात को ध्यान से सुनिए।
अभी हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन जिसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और एक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। बस ये दो पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फाइनली हमारा बचेगा न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड को भी उससे हम नेक्स्ट वीडियो में, दो तीन वीडियो और बनेंगी, ये पूरा पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th+12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।